नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। यात्रा इस समय कर्नाटक में है। 30 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में प्रवेश किया था। यात्रा के 3 दिन बीत जाने के जो कर्नाटक में 3 दिन बीत जाने के बाद रविवार को एक ऐसी घटना हुई जिसने सोशल मीडिया पर लगातार वायरल जो वो घटना हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा तमाम अन्य जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, अन्य दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें अग्रणी लोग माने जाते हैं, वो भी इस वीडियो को एक एक करके खूब शेयर कर रहे हैं और इस वीडियो को खूब सारा मतलब उस पर अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और अच्छा प्यार मिल रहा है। इन सबसे उत्साहित राहुल गांधी के इस वीडियो से उत्साहित कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो इस पर और मेहनत करने में जुटे हुए हैं। दरअसल ये वीडियो है कर्नाटक के मैसूर की। मैसूर में रविवार को राहुल गांधी थे, वहाँ पर एक जनसभा होनी थी। जिस समय राहुल गांधी उस जनसभा को संबोधित कर रहे थे उसी समय वहाँ पर तेज बारिश होने लगी, पर इस बारिश के बावजूद भी ना तो राहुल गांधी ने अपना भाषण रोका और ना ही वहाँ पर जो भीड़ थी वो वहाँ से हटी। बारिश के बावजूद, तेज बारिश के बावजूद भी ना तो राहुल गांधी रुके और ना ही वो भीड़ वहाँ से हटने का नाम ले रही थी। लगातार राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे। इतना ही नहीं, भाषण देने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ पर सम्मान देने का भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर लोगों से मुलाकात की, जनता से बात भी की। ये सारा कार्यक्रम जिस समय चल रहा था उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये बात कही कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो वहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि हम जो इस यात्रा का उद्देश्य है वो प्यार फैलाना है, भारत को हम जोड़ना चाहते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने कोट लिखा है कि भारत को एकजुट करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, भारत की आवाज़ उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी, भारत जोड़ो यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। कुछ इसी तरीके की बातचीत वो वीडियो में भी करते हुए सुनाई देंगे। जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ पर अपने को फोकस किया हुआ था कि ये जो पूरी यात्रा है वो जो भाजपा और RSS जो नफरत फैलाने का काम कर रही है, जिस तरीके से जाति में और समुदाय में बांटने का काम किया जा रहा है, उसको रोक करके, उसको ख़त्म करके और लोगों को एक मंच पर लाने की का ही उद्देश्य है इस यात्रा का। और इसी उद्देश्य से यात्रा निकाली गई है। ये जो यात्रा है वो नदी की तरह चलती रहेगी और कन्याकुमारी से निकल करके कश्मीर तक पहुंचेगी। जो भाईचारा और जो प्यार समाज के बीच में है, जिसको जो पहले देखा जाता था, जो अब इस नफरत फैलाए जाने के कारण कम होता जा रहा है, उसको हम फिर से स्थापित करेंगे। और ये जो प्यार और भाईचारा है वो भारत के DNA में है। तो ये सारी बातचीत राहुल गांधी की उस समय पर इस रैली के दौरान हुई। पर जो सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है वो राहुल गांधी के बारिश में भीगते हुए भाषण और लोगों के वहाँ पर डटे रहने को लेकर के ही हो रही है। साथ ही साथ इस लगातार वायरल हो रही वीडियो के बाद NCP को शरद पवार की याद आ गई। NCP की तरफ से शरद पवार की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जो अक्टूबर 2019 के एक उपचुनाव की है, जब उपचुनाव के समय पर शरद पवार बारिश के दौरान ऐसे ही भाषण दे रहे थे और फिर उसके साथ ही साथ NCP को राहुल गांधी का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की इस वीडियो पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो लगातार सकारात्मक हैं। इस सकारात्मक जो टिप्पणियां आ रही हैं उससे कांग्रेस पार्टी में भी उत्साह है। तमाम बड़े नेता इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। देखना ये होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी का जो ये उद्देश्य है वो किस हद तक पूरा हो पाता है और कांग्रेस पार्टी को इससे क्या फ़ायदा मिलता है, कांग्रेस पार्टी की जो ज़मीन है वो कितनी तैयार हो पाती है और कितनी उर्वरा हो पाती है। धन्यवाद। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का DNA है। और BJP ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं और 13,000
स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों का स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पूरा का पूरा फायदा छुटे हुए 2-3 बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई। तीसरे कर्नाटक और हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता पिस रही है। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे।